नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूं धनु लगन व धनु राशि के लिए मार्गी शनि का फल। शनि महाराज जून 2022 में वक्री हो गए थे और अब 23 अक्टूबर 2022 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। शनि महाराज के मार्गी होने का प्रभाव धनु लगन व धनु राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहती हूं कि शनि का वक्री होना और शनि का मार्गी होना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर क्यों पड़ता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो सारे काम धीमी गति से करता है। शनि आपकी कुंडली के जिस भाव से संबंध रखेगा उस भाव से जुड़े काम आपके लेट हो जाएंगे। शनि का संबंध आपके सप्तम भाव से है तो आपकी शादी लेट हो जाएगी, पंचम भाव से है तो संतान लेट हो जाएगी, आपके भाग्य भाव से है तो आपका भाग्योदय लेट होगा। तो शनि किसी भी भाव से संबंध रखे, चाहे उस भाव पे दृष्टि रखे या उस भाव में युति बनाए या भाव में बैठे, तो वो उस भाव से जुड़े काम जो है वो धीमे कर देता है, यानी कामों की गति अपने आप धीमी हो जाती है। अभी बात करें हम धनु लगन व धनु राशि की। इस समय धनु राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि महाराज इस समय धनु राशि में दूसरे भाव में चल रहे हैं, कुटुंब भाव में चल रहे हैं। एक तो उनकी मकर राशि कुटुंब भाव में है और एक राशि उनके तीसरे भाव में है जो उनकी कुंभ राशि है। अब अभी तो शनि जो आपकी कुंडली में इफेक्ट दे रहे हैं, एक तो वो कुटुंब के भाव का दे रहे हैं और बाकी जिन भावों को दृष्टि दे रहे हैं उनका दे रहे हैं, यानी टोटल इस समय जब तक शनि मार्गी रहते हैं उनका इफेक्ट आपके चार भावों पर होता है। लेकिन जून 2022 से जैसे ही शनि वक्री हुए, शनि वक्री होके अब धनु राशि की तरफ गए, क्योंकि जैसी ग्रह वक्री होता है तो अपनी पिछली राशि का इफेक्ट देता है, जिसके कारण वो मकर से तो इफेक्ट देंगे ही चार राशियों का, वो धनु से भी चार राशियों का इफेक्ट देंगे। यानी शनि के वक्री होते ही शनि की नेगेटिविटी बढ़ गई और शनि जो चले चार भावों को प्रभावित करके आपके काम देरी से कर रहे थे, वो वक्री होने के बाद अब आपके आठ भावों को प्रभावित करेंगे, कुंडली के आठ भाव, जिसके कारण काम आपके ऑटोमेटिकली अपने आप काम की गति आपकी धीमी हो जाएगी। देखिए, पहले शनि आपके कुटुंब के भाव में बैठे थे, आपके चौथे भाव को देख रहे थे, अष्टम भाव को देख रहे थे, लाभ भाव को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही जून में शनि वक्री हुए वो आपके लगन की तरफ, ये चार भाव तो है ही, फिर वो लगन की तरफ आ गए, उनकी तीसरे भाव पर दृष्टि हो गई, सप्तम भाव पर दृष्टि हो गई और दशम भाव पर दृष्टि हो गई। यानी तीसरा भाव सोशल कनेक्टिविटी का भाव, ये इसमें रुकावट आने लगी। दशम से दशम भाव काम में रुकावट आने लगी, दाम्पत्य जीवन में रुकावट आने लगी और दशम भाव पे रुकावट आने लगी। तो इस तरीके से शनि के वक्री होते उसकी नेगेटिविटी ज्यादा हो गई, लेकिन अब 23 अक्टूबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे उनका धनु राशि का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो अब सिर्फ मकर राशि में का प्रभाव देंगे, यानी मकर राशि में बैठेंगे और बाकी उनका प्रभाव आपके चौथे भाव पर, आपके अष्टम भाव पर और आपके लाभ भाव पर होगा। तो शनि की जितनी नेगेटिविटी जून से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक आपकी कुंडली में थी, जिसके कारण आपके काम होते होते रुक रहे थे, हर काम में आपको बाधा आ रही थी, हर काम ऐसा लगता था कि हो जाएगा लेकिन लास्ट मोमेंट पे पता लगता था वो काम नहीं हो रहा, वो सब स्थितियां बदलेंगी और अब आपके काम तेज गति से होने लगेंगे। अब हम देखते हैं कि धनु लगन व धनु राशि के लिए शनि का मार्गी होना किस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण रहेगा, किस परिप्रेक्ष्य में आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। पहली बात तो शनि आपके कुटुंब भाव के स्वामी है, कुटुंब भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है। कुटुंब भाव का स्वामी वक्री था, जिसके कारण कुटुंब में किसी प्रकार की अशांति थी, जैसे आप ज्वाइंट फैमिली में रहते थे या आपका ज्वाइंट बिजनेस है तो उसमें किसी प्रकार की अशांति चल रही थी, कोई मतभेद चल रहे थे भाई बंधुओं में, उन सब की टेंशन से राहत मिलेगी। कुटुंब का वातावरण, पारिवारिक वातावरण अच्छा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी है। धन के भाव का स्वामी वक्री था, जिसके कारण खर्चे बहुत आ रहे थे आपके, लेकिन अब आपके खर्चों में कमी आएगी। यहां से शनि आपके तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं, जहां पे कुंभ राशि है। यह है हमारा सोशल कनेक्टिविटी का भाव। सोशल कनेक्टिविटी के भाव का स्वामी वक्री होने के कारण हमें अपने सामाजिक संपर्कों से लाभ नहीं मिल पा रहा था। हम जिससे बात करते थे कि हमारा ये काम होना चाहिए, वो हमें आश्वासन देता था लेकिन काम नहीं होता था। लेकिन अब आपकी काम की मुश्किलें दूर होंगी और विशेषकर धनु लगन व धनु राशि के वो जातक जो निम्नलिखित फील्ड में जुड़े हुए हैं, जैसे हम इन बात करें, जैसे ऐसे बंदे जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो टूरिज्म में हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है, जो सेल्स से जुड़ा काम करते हैं, सेल्स के कारण यात्राएं करती रहती हैं, जिनका यात्राओं से जुड़ा काम है, जिनके काम में मूवमेंट की जरूरत है, एक जगह बैठ के जो काम नहीं होता, कम्युनिकेशन का काम है जिसका, कोई फिल्मों का निर्माण करना है, कोई एडवर्टाइजमेंट का काम है, लेखन का कार्य करते हैं, लेखक हैं
या इस तरीके से इन लोगों को विशेष रूप से लाभ होने वाला है, क्योंकि तृतेश के वक्री होने से इन कामों में विशेष रूप से बाधा आ रही होगी, लेकिन अब जब यह मार्गी हो जाएगा तो आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही तृतेश के वक्री होने से मित्रों से आपको जो लाभ नहीं मिल रहा था, आप किसी से कोई आश्वासन चाहते थे लेकिन वो आपको आश्वासन नहीं दे रहा था, आप किसी से मुलाकात करना चाहते थे लेकिन वो मुलाकात नहीं हो रही थी, उन सब बातों में अंतर आएगा। आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, आपके मित्रों से जो संबंध है वो अच्छे होंगे और मित्रों से आपको लाभ होगा। आपकी अगर जून से कोई यात्रा टल रही थी और यात्रा में बार बार रुकावटें आ रही थी, तो वो यात्रा आपकी अब हो जाएगी, क्योंकि यात्रा की छोटी यात्रा के आपका स्वामी बकरी था जिसके कारण यात्रा टल रही थी, लेकिन अब आपकी यात्रा हो जाएगी। आपके काम की गति धीमे धीमे बढ़ेगी। और सबसे पॉजिटिव बात कि क्योंकि धनु लगन व धनु राशि पर इस समय शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है और उसमें शनि वक्री हो जाए तो ज्यादा टेंशन देती है, लेकिन अब क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे तो शनि की साढ़े साती में आपको राहत मिलेगी, काम की मुश्किलें आपकी दूर होंगी, काम की गति बढ़ेगी। और अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा चल रही है तो 23 अक्टूबर के शनि के मार्गी होते ही आपको फौरन रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ आपका काम काफी अच्छी तरीके से होने लगा। तो मेरा ये मानना है कि शनि जब भी वक्री होंगे, शनि जैसा अशुभ ग्रह, शनि और मंगल जैसे ग्रह जब भी वक्री होते हैं उनकी कुंडली में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, वो आपके कामों में एकदम कमी ला देते हैं, कामों की गति रुक जाती है, कामों में बार बार बाधाएं आने लगती है। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे उनकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण आपके काम सही गति से होने लगेंगे और आपको सही रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि धनु लगन व धनु राशि के लिए जो शनि महाराज 23 अक्टूबर 2022 से मार्गी होने जा रहे हैं उसका प्रभाव क्या रहेगा। आपको शनि की साढ़े साती में लाभ मिलेगा, आपके काम तेज गति से होंगे, और अगर आप मीडिया, टूरिज्म, सेल्स, ट्रांसपोर्ट, संचार, फिल्में, विज्ञापन, लेखन आदि कार्यों से हैं तो आपके काम और अधिक तेजी से होंगे। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।